नमस्कार, मैं और रीनू कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक वारदात सामने आई है। यहां एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अचानक से गायब है, जिसके बाद पुलिस को गायब होने की सूचना भी दी गई। पुलिस टीम ने डॉक्टर के सरकारी क्वार्टर में जाकर जांच की। जांच के दौरान एक CPI उग्रवादी का पोस्टर मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। डॉक्टर का अपहरण नक्सलियों ने किया है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर आ रही है जगदलपुर से, जहां शहर के दलपतपुर सागर वार्ड संस्कार स्कूल के बाजू गली में बीती रात आवारा कुत्तों के झुंड ने सड़क पर खेल रहे एक मासूम को अपना शिकार बनाया। मासूम की आवाज को सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चे को बचाया। बच्चे को बेहतर उपचार के लिए महारानी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को परिजन घर ले गए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, जिले में ऑनलाइन ठगी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रिटायर्ड बैंक कर्मी से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। अज्ञात आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बेगा आदिवासियों का बुरा हाल है। गोरेला जनपद पंचायत के ठान पथरा अमानाला दुर्गा धारा क्षेत्र में रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बेगा आदिवासी आज भी शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी है जैसे कि वे पाषाण युग में जीवन जी रहे हों। जहां वे रहते हैं वहां ना मार्ग है, ना ही पक्की सड़कें हैं, ना ही शुद्ध पानी है, ना ही कुआं है, हेडपंप तक नहीं है। यही हाल इनका अमरकंड की तराई में बसे बेगा आदिवासियों का है। मेकन पहाड़ से बहकर आने वाले पहाड़ी नाले के बाजू में छोटा सा गड्ढा खोदकर वर्षों से उसका पानी पीकर यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के आकाशवाणी चौक के समीप चोपड़ा पारा से स्पोर्ट्स सेंटर और होटल राधे कृष्ण में भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के होटल के अंदर फंसे होने की आशंका भी है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।